हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पिछले वीडियो में यूजिन के बारे में बात की थी, आज हम उसके आगे की स्टोरी के बारे में बात करेंगे कि उसकी आदत कैसे काम करती है। वो बहुत बीमार हो चुका था। पिछले वीडियो में हम डॉक्टरों ने उसकी पत्नी से कहा कि यह भी संभव हो सकता है कि तुम अपने पति को खो दो। चलो अब हम इसके आगे की स्टोरी की शुरुआत करते हैं। यूजिन को अस्पताल के दूसरे हिस्से में ले जाया गया। पहला सप्ताह समाप्त होने तक वह खाने पीने लगा। अगला सप्ताह वह सामान्य रूप से बातें करने भी लगा और खाने में नमक व अलग अलग मीठी चीजें भी मांगने लगा। इसके साथ ही वह टीवी के चैनल बदल बदल कर नीरस धारावाहिकों के बारे में शिकायतें भी करने लगा। 5 सप्ताह बाद यूजिन को अस्पताल से छुट्टी देकर पुनर्वास केंद्र भी भेज दिया गया। उस वक्त यूजिन आराम से चलने फिरने लगा और साथ ही नर्सों को बिन मांगे सलाह भी देने लगा था, जैसे सप्ताह के अंत की छुट्टी बिताने के लिए उन्हें कहाँ जाना चाहिए आदि। मैंने पहली बार इस बीमारी से ग्रस्त किसी व्यक्ति को स्वस्थ होते देखा है। मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं बनाना चाहता दोस्तों, लेकिन यह वाकई अद्भुत है। यूजिन के डॉक्टरों ने बेवरली उसकी पत्नी से कहा, लेकिन बेवरली की चिंता खत्म नहीं हुई। यह बात पुनर्वास केंद्र में स्पष्ट हो गई थी कि इस बीमारी से यूजिन के अंदर कुछ असामान्य बदलाव आ गए हैं। जैसे यूजिन सप्ताह के दिन भूल जाता था, बार बार बताने के बावजूद भी वह अपने डॉक्टरों नर्सों के नाम याद नहीं रख पाता था। एक दिन जब डॉक्टर यूजिन के हालचाल पूछने के बाद उसके कमरे से बाहर निकल गया तो यूजिन ने उसकी पत्नी से पूछा, ये लोग मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछते हैं। घर वापस लौटने के बाद भी यूजिन में कोई बदलाव नजर आए। उसे अपने मित्र याद नहीं थे। लोगों से बात करते करते वह अचानक सब कुछ भूल जाता था। कई बार सुबह सुबह नींद खुलते हुए सीधे रसोई में चला जाता और अपने लिए अंडे पकाकर खा लेता। फिर वह अपने कमरे में लौटकर वापस बिस्तर पर लेट जाता और रेडियो सुनने लगता। फिर 40 मिनट बाद ही वह दोबारा सब कुछ दोहराता, उठकर अपने लिए अंडे और बेकन पकाता और खाकर वापस बिस्तर पर लेट जाता और रेडियो सुनने लगता। कुछ ही देर बाद एक बार फिर यही प्रक्रिया दोहराता। उसके इस अजीब व्यवहार से उसकी पत्नी ने तुरंत विशेषज्ञों से संपर्क किया। इस विशेषज्ञों में सैन डिएगो के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता भी शामिल थे। वे उन दिनों याददाश्त खोने के कारणों पर शोध कर रहे थे। एक दिन यूजिन और उसकी पत्नी विश्वविद्यालय परिसर पहुंच गए। वे एक दूसरे का हाथ थामे मुख्य हॉल को पार करते हुए आगे बढ़े। उन्हें परीक्षण कक्ष में बैठने के लिए कहा गया। यूजिन वहां बैठी एक युवती से बात करने लगा जो कंप्यूटर पर काम रही थी। यूजिन ने कंप्यूटर की ओर इशारा करते हुए कहा कि मेरी जवानी के दिनों में इस मशीन का आकार इस कमरे से भी बड़ा होता था और इससे रखने के लिए 6 फुट के कई रैंकों की जरूरत पड़ती थी। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में कई साल काम किया है और अब इस मशीन को इतने छोटे आकार में देखना सचमुच आश्चर्यजनक है। वह युवती यूजिन की बात पर ध्यान दिए बगैर कंप्यूटर पर काम करती रही। अचानक यूजिन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये सारे प्रिंटेड सर्किट्स, डायोड्स और ट्रायोड्स कितने अद्भुत हैं। जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सक्रिय था उस समय इन्हें रखने के लिए भी 6-6 फुट के कई रैंकों की जरूरत पड़ती थी। तभी यह वैज्ञानिक ने कमरे में प्रवेश किया। वह अपना परिचय दिया और यूजिन से उसकी उम्र पूछी। मेरी उम्र 59 या 60 होगी शायद, यूजिन ने उत्तर दिया, जबकि असल में उसकी उम्र 71 साल की थी। वह यानी कंप्यूटर पर कुछ टाइप करने लगा। यूजिन ने मुस्कुराते हुए एक बार फिर कहा, यह सचमुच अद्भुत है। जानते हो, जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में था तब इस मशीन को 6-6 फुट के कई रैंकों पर रखा जाता था। यह वैज्ञानिक थे 52 वर्षीय लेरी स्क्वायर। वे पेशे से एक प्रोफेसर थे जो पिछले 3 दशकों से याददाश्त से संबंधित तत्वों की रचना का अध्ययन कर रहे थे। उनका अध्ययन मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित था कि इंसान के मस्तिष्क में घटनाओं का भंडार कैसे होता है। वे इसके विशेषज्ञ थे। यूजिन की इस बीमारी के कारण जल्द ही लेरी स्क्वायर और सैकड़ों अन्य शोधकर्ताओं के सामने एक बिल्कुल नए संसार के द्वार खुलने वाले थे। अभी तक आदतों के बारे में हमारी जो भी जानकारी या समझ थी वह इन्हीं शोधकर्ताओं के अनेकों अध्ययनों से बनी थी। स्क्वायर के प्रयोगों से सामने आया कि जो इंसान अपनी उम्र और ऐसी अनेक सामान्य बातें तक याद नहीं रख पाता, उसके अंदर भी आश्चर्यजनक रूप से जटिल आदतें विकसित होती रहती है। फिर आपको एहसास होता है कि हर इंसान रोजमर्रा का जीवन बिताने के लिए समान तंत्रिका प्रक्रियाओं पर ही निर्भर होता है। स्क्वायर और अन्य शोधकर्ताओं के अध्ययनों से चेतन मन की कार्य प्रणाली को समझने में काफी सहायता मिली। इस कार्य प्रणाली का प्रभाव हमारे रोजमर्रा के ऐसे अनगिनत चुनावों पर पड़ता है जो हमें तार्किक तो लगते हैं, पर वास्तव में वे हमारे उन तीव्र इच्छाओं से प्रभावित होते हैं जिन्हें हम करीब करीब अनजान होते हैं। स्क्वायर ने यूजिन से मुलाकात करने से पहले कई हफ्तों तक उसके दिमाग के स्कैन्स का अध्ययन किया था। इन स्कैन्स से स्पष्ट हुआ कि वायरस का सारा प्रभाव यूजिन के दिमाग के मध्य भाग में 5 सेंटीमीटर के एक सीमित क्षेत्र में हुआ है। इस वायरस ने उसके दिमाग के मध्यवर्ती हिस्से को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। वैज्ञानिकों का मानना था कि तंत्रों का यह छोटा सा संघ सभी प्रकार के संज्ञानात्मक कार्य जैसे अतीत, याद रखना, भावनाओं पर नियंत्रण
रिकॉग्नाइज करता है। पर स्क्वायर यूजिन के दिमाग पर हुए इस विनाशकारी प्रभाव से चकित नहीं थे। वे जानते थे कि इस प्रकार का वायरस तंतु को अत्यंत क्रूर और सुनिश्चित तरीके से नष्ट करता है। स्क्वायर को बस एक ही बात से हैरानी थी कि अन्य व्यक्ति के स्कैन यूजिन के स्कैन से हुबहू मिलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम आगे भी इसी तरह की कहानियों से आगे वीडियो बनाते रहेंगे। अब हम आने वाली वीडियो में हेनरी मोलाइजन का उदाहरण लेंगे, उसकी स्टोरी को पढ़ेंगे कि आखिरकार उसके साथ अभी क्या हुआ। तब तक ले प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और कमेंट भी जरूर करना और शेयर भी जरूर करना। तब तक ले जय हिंद।